भी मिलेगा, बैग दे रहे हैं, बैग बैग माउस दे रहे हैं, कीबोर्ड दे रहे हैं, और जिसके क्या बोले चार्जर तो देंगे साथ में, क्योंकि बिना चार्जर का तो ये लैपटॉप फिर कचरा बन जाएगा। अब छपे हम लोग अभी ये लैपटॉप 5,000 का देखा, और इसका कितना प्राइस है? ये आपका 13,000 मेरे लिए अच्छा रहेगा, बहुत मस्त आपके भी मस्त है। आप देखिए कोर i5 इसका क्या मतलब होता है, कोर मतलब कोर, ये लैपटॉप। हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, आज मैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, और आज का वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि आप अगर स्टूडेंट हैं, या आप एक अगर दुकानदार हैं, या आपको अगर एक लैपटॉप की ज़रूरत है, या पर्पस आपका कोई भी काम का हो, अगर आप लैपटॉप खरीदने वाले हैं तो सबके मन में आता है कौन सा लैपटॉप खरीदें और कौन सा लैपटॉप नहीं खरीदें, कौन सा अच्छा होगा, कौन सा खराब होगा, और कितना बजट तक का खरीदें। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी देंगे, एक लैपटॉप पे खरीदने पे आधारित ये वीडियो रहेगा, ये ब्लॉग रहेगा। हम जाएंगे लैपटॉप दुकान में, इससे पहले हम लैपटॉप दुकान पे गए थे, पर आज है लैपटॉप खरीदने का बारी, तो आज मैं भी एक लैपटॉप खरीदने वाला हूँ, और बहुत ही सस्ता में, कम से स्टार्ट, हाईएस्ट आपका बजट कितना है उस हिसाब से आप वहाँ पे परचेज कर सकते हैं। तो आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि आपको 6,000 से स्टार्ट है लैपटॉप का प्राइस, और आपको 6,000 के साथ साथ कितना तक है, 50 से 60,000 तक लैपटॉप मतलब कहा जाए तो हर ब्रांड का आपको लैपटॉप उपलब्ध होगा। और बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं कि आपको इस ब्लॉग के माध्यम से सर बहुत अच्छा अच्छा चीज़ देखने को मिल जाएगा, आपका हर पर्पस पूरा हो सकता है। जी जी, अभी हम सैंडिस में हैं, अभी यहां से हम लोग जाएंगे, और अभी फिलहाल तिलका मस्जिद से हम सैंडिस आए हैं, सैंडिस से अभी हम लोग यहां पे कचहरी चौक पे बाइक लगी हुई है, वहाँ से बाइक से हम लोग जाएंगे। तो ये जो है इसका लोकेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं, तो ये जो है एचपी पेट्रोल पंप के सामने, लोअर नाथनगर रोड, ततारपुर, भागलपुर। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। चलता है ये टोटो, पूरा मार्केट में आपको बहुत ज्यादा टोटो का यहाँ पे देखिएगा जवाब रहा। गाइस अभी हम लोग कोयला डिपो पहुँच चुके हैं, और यहाँ से हम लोग उल्टा पुल पे होकर के स्टेशन के सामने जस्ट निकलेंगे, फिर स्टेशन के सामने से ततारपुर जाएंगे, ततारपुर के आगे पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप के आगे जो है जस्ट सामने अल्फा सॉल्यूशन, हम लोग चलते हैं वहाँ पे। ये जो है गाइस, ये है आपका उल्टा पुल, ठीक है, ये उल्टा पुल है, इसको उल्टा पुल क्यों कहा गया है पता नहीं, पर इसका नाम उल्टा पुल है, अल्फा सॉल्यूशन का। दोस्तों हम लोग अंदर जाएंगे, देख सकते हैं ऐसे यहाँ पे, देख सकते हैं यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, डेस्कटॉप 5,000 से स्टार्ट होता है, लैपटॉप 7,000 से स्टार्ट होता है। यहाँ पे चलेंगे अंदर में, मिलते हैं सबसे। देखिए ये लोग अभी पूरा स्टार्टिंग क्या हुआ है। आइए सर, आइए, कैसे हैं? बहुत 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 अच्छा सर। क्या नाम बताए थे? भूल गए, अरबाज भाई। और आपका? जमशेद भाई। जमशेद भाई यही है यहाँ का, कह सकते हैं लैपटॉप का, ये मेरा समझ लीजिए गोदाम है, साइड में अपना मेन शॉप है। हाँ, और ये है हमारे कौशल भाई। तो दोस्तों आप लोग अभी जो देख रहे हैं कौशल भैया है, और ये यहाँ पे जो है लैपटॉप को, बहुत सारा लैपटॉप बहुत सारा आदमी को, बहुत सारे लोग को दिए हैं, आज हम स्पेशल लेने के लिए आए हैं। अगेन विजिट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर मुझे बताइए आप किस लैपटॉप, किस पर्पज़ के लिए आप लैपटॉप खोज रहे हैं? जी जी, ये चीज़ मुझे अच्छा लगा, तो लगे थोड़ा सा। दोस्तों जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, जैसे कि आप किस पर्पज़ से ले रहे हैं, या आप छात्र हैं, या तो फिर आप हो सकता है आप कोई एडिटर हैं, या फिर कोई बिजनेस हैं, या फिर कोई और भी वर्क है जैसे कैफे वगैरह है, या लैपटॉप लेना चाहते हैं, या डेस्कटॉप लेना चाहते हैं, आपका पर्पज़ पहले पता होना चाहिए आपको कि आप किस पर्पज़ से ले रहे हैं, ठीक है। तो हम, मेरा पर्पज़ आपको पता है या नहीं? आप आई थिंक मेडिकल फील्ड से? नहीं, मेरा पर्पज़ है कि जो भी कोर्ट कचहरी का काम होता है, जैसे वो टाइपिंग हुआ, कोई भी ऑनलाइन वगैरह हुआ, फोन, एक कैफे में जो काम होता है, कमर्शियल पर्पज़ से ले रहे हैं। कमर्शियल बिजनेस पर्पज़ से ले रहे हैं। और आपका जो लैपटॉप ऑन रहेगा वो लंबे वक्त तक ऑन रहेगा? हाँ, लंबे से लंबे, यानी कि 8 घंटा कंटिन्यू, 8 घंटे नॉर्मल 8 घंटे कंटिन्यू ऑन रहेगा। तो आपको, तो जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हम ऐसे रहता है थोड़ा सा, हम लोग आपके अकॉर्डिंग का लो से शुरू करते हैं, हाई तक जाते हैं, आपके अकॉर्डिंग का लो से हाई, एक स्टूडेंट के अकॉर्डिंग का दूसरा हो जाता है, एक प्रोफेशनल के लिए दूसरा हो जाता है, मैं आपके अकॉर्डिंग का लो टू हाई करता हूँ, ठीक है, इधर आइएगा।
स्टार्टिंग कहाँ से है, कितना अमाउंट से स्टार्टिंग? अगर आपके फील्ड से है तो स्टार्टिंग आपके लिए कम से कम 11-12 हज़ार से होगा। 11-12 ठीक है आपके लिए स्टार्टिंग। वही विद्यार्थी के लिए अगर कोई आता है, विद्यार्थी के लिए तो 5-6 हज़ार से स्टार्टिंग है, ठीक है। तो स्टूडेंट को छूट दिया है 5-6 हज़ार से। स्टूडेंट क्या होता है, ज़्यादा आवश्यकता नहीं होता। आप जैसे उसमें तो पीडीएफ वगैरह डाउनलोड होता है ना, उसमें भी हाँ, उसमें भी पीडीएफ वगैरह डाउनलोड होता है, क्लास व्लास वगैरह चलता है, ठीक है ना, नॉर्मल काम हो जाता है। लेकिन अगर स्टूडेंट भी चाहता है कि आपको जैसा काम करना, तो फिर उनको भी रिकमेंड करते हैं कि थोड़ा सा रुपया ज़्यादा लगा लीजिए, क्योंकि एक बार जो देखो तो बार बार खरीदा नहीं जाता, जो खरीदेगा एक ही बार खरीदेगा, ठीक है। आपके पास बचत नहीं है, पढ़ाई पर्पज से ले रहे हैं तो 5-6 हज़ार 7-8 हज़ार का ले सकते हैं। अगर आप काम के पर्पज से ले रहे हैं तो कम से कम 12-13 हज़ार का सिस्टम लीजिए। अगर आप एडिटिंग पर्पज से लेते हैं तो कम से कम 16-17 हज़ार का सिस्टम लीजिए। इसमें आपका मोटा रहने का रीजन भी देखिए थोड़ा सा, ये आपका मेटल बॉडी है, और दूसरी बात इसमें आपका डीवीडी राइटर है, देखिए इसमें आपका केसर भी लगेगा, क्योंकि बहुत सारा सॉफ्टवेयर ऐसा आता है जिस जो केसर में उसका ड्राइवर आता है उसी से इंस्टॉल होता है, ठीक है। प्रिंटर उंटर हो गया, ठीक है ना, बहुत सारा प्रिंटर का है तो है, इसलिए इसमें और सब में मतलब इसमें सीडी है, इसमें सीडी है, उसमें सीडी नहीं है, इसमें सीडी है तो ये बॉडी आपका मोटा हो गया, इसमें सीडी नहीं है तो ये बॉडी आपका पतला हो गया, जस्ट लाइक डैट इसी को कहिए, ठीक है। इसमें सीडी नहीं है तो ये आपका पतला हो गया, जिसमें सीडी रहेगा उसका बॉडी मोटा हो जाता है। अच्छा। क्योंकि सीडी का पैनल भी तक इतना मोटा आता है, तो मिनिमम से हम लोग हाईएस्ट प्राइस तक जाएंगे और देखेंगे उसमें से क्या सब है। जैसे कि जिसमें भी जो भी लैपटॉप आप परचेज करते हैं उसमें एक्सटर्नल भी सीडी ड्राइव लगता है, तो आप एक्सटर्नल ना ले मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर लैपटॉप के साथ अगर आ रहा है थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, क्या यही ना, थोड़ा सा कॉस्ट पड़ता है। लेकिन आप अगर सीडी ड्राइव साथ लेते हैं लैपटॉप के साथ जो आ रहा है वो बेहतर होता है, क्योंकि आप एक्सटर्नल पार्ट लेकर के भी काम करता है लोग, ऐसा नहीं कि जरूरत पड़ेगा ही ना, दूसरा कोई चारा भी नहीं है। तो चलिए हमको दिखाइए। देखिए गाइस, ये जो है आपका ये लैपटॉप 5000 का है ना, 5 या 6000 का है, 5000 या 6000, ये आपका 5000 के वेरिएंट में भी है, 6000 के वेरिएंट में भी है, 7000 के वेरिएंट में भी है। इसका खासियत क्या है? देखिए ये होता है कि किस लिए लेता है, विद्यार्थी के लिए, विद्यार्थी लेता है ओनली, ये सिर्फ विद्यार्थी लेता है, और जिसको थोड़ा बहुत वर्ड एक्सेल पे काम करने वाले हैं वो लेते हैं। रीजन क्या है, क्या इसमें ओनली एक क्रोमबुक है आपका, ठीक है, इसमें क्रोम का ओएस है, इसमें जितना मान लीजिए कि नेट से जो भी संबंधित है, इंटरनेट से पढ़ना हुआ, कोई भी चीज या वीडियो देखना हुआ, छोटा मोटा वर्क के लिए जो भी होता है ठीक ठाक। आगामी में भी आईपीएल आने वाला है, अगर बच्चा चाहे तो आईपीएल के लिए भी ले सकता है। जो भी प्रिपेयर यानी आप अगर स्टूडेंट हैं, आप अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए आप ये लैपटॉप परचेज कर सकते हैं, ये 5000 में आपको मिलता है, और साथ में मिलेगा आपको गिफ्ट, जैसे कि मतलब आप यहाँ से लैपटॉप परचेज करके ले गए, हम लोग इतना चीज यहाँ से दे देते हैं कि ताकि आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़े, जैसे जस्ट लाइक कीबोर्ड, माउस, माउस पैड मतलब रखने का, साफ करने का बैग, हम लोग इतना 7-8 चीज दे देते हैं ताकि आपको बाहर में कुछ खरीदने का जरूरत। अच्छा, दूसरा एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये लैपटॉप के साथ आपको बैग भी मिलेगा, बैग दे रहे हैं, बैग माउस दे रहे हैं, कीबोर्ड दे रहे हैं, और जिसको क्या बोले कीगार्ड बटन अच्छा वो दे रहे हैं, और माउस चार्जर वगैरह चार्जर तो देंगे साथ में, क्योंकि बिना चार्जर का तो ये लैपटॉप फिर कचरा बन जाएगा। अच्छा, हम लोग अभी ये लैपटॉप 5000 का देखा, और इसका कितना प्राइस है? ये आपका 13000 मेरे लिए अच्छा रहेगा, बहुत मस्त है, आपके भी मस्त है। आप देखिए कोर i5 इसका क्या मतलब होता है? कोर ये लैपटॉप आता है जैसे कोडाइको, मतलब कोटिड्यू, जो आपका काफी नॉर्मल होगा। अच्छा, आप बोले थे कि लैपटॉप दो तरह का होता है। हाँ, वो सीरीज में जैसे एक होता है होम सीरीज में होता है, एक होता है कमर्शियल सीरीज में, तो कमर्शियल में ये आता है। हम लोग के पास जो जितना लैपटॉप रखा है वो टोटल कमर्शियल सीरीज में होता है, मतलब कमर्शियल मतलब आप एंटर 18 से 20 घंटा आप यूज कर सकते हैं। वाह क्या बात है, 18-20 घंटा यूज करेंगे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चार्ज कितना टिकेगा? चार्ज 2 से 3 घंटे 2 से 3 घंटे बैटरी न्यू इसके साथ है? हाँ, बैटरी भी यूज किया हुआ, मतलब हम लोग बैकअप चेक किया हुआ है कितना घंटा दे रहा है। ठीक, जैसे कि आप इसके साथ आप यूज किया, ये इसका वो होता है ना कि ये लैपटॉप इतना साल पुराना है, बना हुआ है, इसका कुछ हमको बता सकते हैं? हाँ, मैंने प्रक्रिया निकाल, इसका भी निकल जाएगा, आएंगे सब निकाल के दिखा देंगे इसका। कौशल जी, तो अच्छा वो हमको डेट बता देगा कि इतना पुराना है, ठीक है। और इस जैसे हमको लग रहा है थोड़ा सा ओल्ड मॉडल की तरह, तो इसमें न्यू जैसे कि इस तरह का? हाँ, इसमें भी हर तरह का सर आता है, जैसे आप देख लीजिए ये थोड़ा, ये 1500 का मॉडल, ये थोड़ा 2015-16 हाँ 1500 का, ये थोड़ा 2019-20 का ही मॉडल है, इसीलिए ये थोड़ा सिली में है। हाँ, लग रहा। हाँ, ये थोड़ा सिली में है ये, इसमें लेकिन एक्स्ट्रा जो है सीडी, ये थर्ड जनरेशन का है, इसमें भी सीडी ड्राइव है, इसमें भी सीडी ड्राइव है। अच्छा, इसका रेंज? ये आपका 17000 का, ये आपका 17000 का जाता है, चलता है, लेकिन कम से कम 2 घंटा तो चलेगा, चलो हम लोग गारंटी से फॉर्मेट मार के दीजिएगा, है ना? हाँ, टोटल चीज करके देंगे। तो ये हमको कैसे, अच्छा दूसरा बात है कि ये भी कोर i5 है? हाँ, ये भी कोर i5 है, ये सेकंड जनरेशन का, ये फोर्थ जनरेशन का। ये क्या है? ये आपका फिंगर सेंसर है। अच्छा, फिंगर सेंसर के साथ है ये आपका। अच्छा, ये आपका लेटेस्ट में आ गया, ये थोड़ा ओल्ड मॉडल। अच्छा, है, अगर हम यही अगर परचेज करें तो इसका कितने पड़ेगा? वो पड़ जाएगा सर, आपको दे देंगे बता दिए थे, तो हमको यही पसंद है। सेवन उसमें, मतलब इसमें विंडोज 7 नहीं है, कंपनी जो कोई कंपनी यूज़ कर रही थी वो विंडोज 7 यूज़ कर रही थी। अच्छा,
अभी यहाँ विंडो है, विंडो 10, विंडो 11, ये सेकंड जनरेशन का है, ये आपका फोर्थ जनरेशन का वो बोला, समझ रखा ये बोला, हाँ वो बोला, ठीक है। देखिए दोस्तों, लेनोवो में काफी महंगा है, मतलब थिंक पैड में काफी, मतलब लैपटॉप आपको देख के लगेगा नहीं कि ये रिपेयर भी लैपटॉप है, यूज क्या हुआ आपके समझ आते कंपनी फाड़ के दिखाते हैं। देखिए कैमरा में फोकस कीजिएगा, अरे वाह, ये देखिए मतलब देख के आपको पता नहीं चलेगा ये रिपेयर भी लैपटॉप है। देखिए फुल कंडीशन में सही है, आपका 17500 है, 17500 हाँ, थिंक पैड इसको बोला जाता है, हाँ थिंक पैड, वो थिंक पैड। हमारे दर्शक को एप्पल का भी कुछ, हमारे स्टार्टिंग करते हैं एप्पल का भी कुछ देखते हैं, अपने पास एप्पल का भी लैपटॉप 20,000 से स्टार्ट है। देखिए 20,000 से दोस्तों एप्पल का आपको मिलने वाला है, इसको क्या बोला जाता है, मैकबुक प्रो, मैकबुक प्रो कमर्शियल में है सर, मैकबुक प्रो, ये देखिए एप्पल का 20,000 से स्टार्ट होता है, ये 20,000 का है, ये देखिए 20,000 से आपका लैपटॉप एप्पल का स्टार्ट होता है, और आपको बहुत सारा यानी 20,000 से स्टार्ट हुआ 50,000-60,000 तक का आपको मिल जाएगा। MacBook Air, MacBook Pro, M1, M3 तक उपलब्ध है। अच्छा अच्छा, जैसे आप आए, जैसे आप सब एक MacBook Pro, MacBook Air, M1, M3 तक अपने पास उपलब्ध है। देखा जाए सर, जैसे कि M1 की बात करें, ये है MacBook का M1 का लैपटॉप, M1 ये टच है, आपके यहाँ 360 वाला वो फोटो वाला था सर, अच्छा हाँ, आपके सामने देखिए सर, ये आपका 360 फोन, ये इसका इसका प्राइस, इसका प्राइस आपका है 40,000। अच्छा देखिए दोस्तों, ये जिसके बोला था मैकबुक, मतलब पूरा देखिए ना, छोटा से छोटा मतलब बुक ही लग रहा है, जैसे कि होता है ना मैकबुक, बिल्कुल किताब की तरह पतला और छोटा, मतलब पता हाथ में लेके चले पता नहीं चलेगा ये एप्पल है, लैपटॉप है, 40,000 का आ रहा है। और ये देखिए आपका 360 हुआ, और ये है कि इसमें खासियत क्या है कि ये आपका लैपटॉप तो है ही, ठीक है ना, इसके साथ यहाँ पर टैब भी है, अच्छा, इस मोड में आपका टैब बन गया, और इस मोड में आपका ये लैपटॉप बन गया, यस ठीक है, और उस पर बन गया टच के साथ, टच के साथ, इसका इसका प्राइस, इसका प्राइस रहने वाला है 13,000। ओह माय गॉड, देखिए इतना मतलब 13,000 में दोस्तों मोबाइल सही से एक लैपटॉप मिल रहा है आपको, इतना तगड़ा, इतना सारा चीज इसमें, देखिए एक टैब की तरह मिल रहा है इसको, मतलब आप इसको फोन की तरह यूज कर सकते हैं, जैसे कि पढ़ाई करते करते थक गए बैठ के, तो आप लेट के भी मतलब पढ़ाई कर सकते हैं, इसका ये खासियत है, और बैटरी बैकअप 5-6 घंटा इसका बैटरी बैकअप। तो दोस्तों हम लैपटॉप पसंद कर चुके हैं, ये देखिए ये लैपटॉप हम पसंद किए हैं, और इसमें जो भी सॉफ्टवेयर है जो इंस्टॉल नहीं है वो इंस्टॉल करवाएंगे, और जो भी हमको ज़रूरत है उस सब चीज़ इसमें डलवा लेंगे, और ये इसका बैकअप भी देख रहे हैं ठीक ठाक है, और इसका जो आप कह सकते हैं कॉस्ट प्राइस वो भी ठीक ठाक है मेरे ख्याल से, एप्लीकेशन का वो हम ज़रूर इसमें करवाएंगे, और देखते हैं इसका एक्सपीरियंस क्या है, क्योंकि आप अगर यहाँ से परचेज़ कर लेते हैं आपको 3 महीना में अगर कुछ भी, अगर 3 मंथ्स में कुछ भी आपको प्रॉब्लम होता है, ठीक का लैपटॉप रन नहीं कर रहा है या सही से आपका काम नहीं कर रहा है, कुछ भी हो रहा है प्रॉब्लम या कुछ, वो आपको यहाँ पे हैंड टू हैंड कर देगा। 3 महीने के बाद अगर आप आते हैं तो इनका प्रयास रहता है कि मेरा कस्टमर का कोई भी प्रॉब्लम हो वो प्रॉब्लम को ठीक करें, और वो उसका चार्ज भी लेते हैं। नहीं नहीं सर, अगर आप 3 महीने के बाद विद इन 3 ईयर्स के अंदर आप आते हैं तो सर्विसिंग फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं, उसमें एक कंडीशन रहता है वो भी हम लोग का क्लियर कर लेते हैं कि पैसे में 3 महीने के बाद कोई सामान खराब हो गया, ठीक ठीक, तो उसका चार्जेबल रहता है वो आपको, उसके लिए आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, सामान का चार्ज पे करना पड़ता है, और सर्विसिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है, और हम लोग ये भी कोशिश करते हैं क्या कि जो सामान हो सके अगर हाथ से ठीक हो जाए, ठीक है ना, तो हम लोग ठीक कर देते हैं, हम चाहते हैं कि उसका एक भी रुपया नहीं लगे, चलते हैं जैसे कि 9 जगह है, जी जी कहाँ कहाँ, ये मेरा न्यू दिल्ली में है, कोलकाता में है, पटना में है, रांची में है, आपका ये आप भागलपुर में भी हैं, ठीक है ना, भागलपुर में सिंगल पीस, हाँ यहाँ पे, हाँ हाँ सिंगल, हर जगह मेरा सिंगल सिंगल ही ब्रांच है, एक जगह 10 ब्रांच खोलने का कोई मसला नहीं। और इसमें हमको जो अभी बताया आपका वो क्या नाम होगा, उनका नाम क्या है, जमशेद भाई बताया कि अगर आप पटना शिफ्ट हो जाते हैं या दिल्ली हाँ, शिफ्ट हो जाते हैं हाँ, तो आप अगर यहाँ से लैपटॉप लेके गए हैं कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप वहाँ पे भी इस तरह से दिखा हाँ, सकते हैं, सर्विस प्लस एक्सचेंज दोनों चीज़ आपको कहीं भी करा सकते हैं, अगर आपको लैपटॉप बदलवाना है तो भी हम हमारी किसी भी अन्य ब्रांच पे करवा सकते हैं, अगर आपको सर्विसिंग कराना है ठीक करवाना है भाई, जब आपको सॉफ्टवेयर में चढ़वाना है तो आप किसी ब्रांच पे जाइएगा, बस आप लोगों से निवेदन है अगर समय सीमा के अंदर करवाइएगा तो उसका कोई चार्ज नहीं, सर सॉफ्टवेयर लाइफ टाइम फ्री रहता है। अच्छा देखिए बहुत खुशी की बात है, कुछ भी अगर आपका मान लीजिए कि लैपटॉप हैंग कर रहा है या फॉर्मेट मरवाना चाहते हैं तो आप उस कंडीशन में भी पैसा फ्री, बस आपके पास बिल रहना चाहिए, चाहे 10 साल पुराना हो, चाहे 2 साल पुराना हो, चाहे 3 साल पुराना हो, लैपटॉप मेरा है उसका सॉफ्टवेयर का लाइफ टाइम तक ही रहता है। जैसे कि आप कहीं पटना है, पटना में आप कहीं आपको मान लीजिए अपना जॉब कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं, यानी 9 जगह 9 ब्रांच है, जैसे कि आप अभी सुने बताए 9 जगह कहाँ कहाँ है, आप वहाँ अगर कहीं भी रहते हैं किसी भी कारण से आप किसी भी सेंटर में पहुँचते हैं, यहाँ तक कि मोबाइल में भी आपके पास अगर रसीद है, अगर वहाँ जाते हैं तो आपको उस रसीद को देकर के भी आपका लैपटॉप सही
जाएगा। ऐसा नहीं है कि फिजिकल बिल हम लोग नहीं मांगते, हम कहते हैं क्या कि एक आप फोटो भी खींच के रखते हैं ना अपने फोन में, उससे भी हम लोग सर्विस देते हैं। अच्छा, क्योंकि आज दुनिया डिजिटल हो चुका है। ऑनलाइन का क्या सुविधा है, सुने कि ऑनलाइन वगैरह दे रहे हैं? हाँ हाँ, ऑनलाइन भी हम लोग, जैसे कि अगर आप आपकी वीडियो देख रहे हैं ठीक है, अगर मेरे ब्रांच पे आने में सक्षम नहीं है, उनको लगता है क्या कि नहीं हम ब्रांच पे आके नहीं ले सकते, शेड्यूल किन्हीं का बहुत बिजी रहता है, कोई सक्षम आने में नहीं होता है, तो वो कॉल के थ्रू भी लैपटॉप बुकिंग करा सकते हैं। मेरा वेबसाइट है www.alphasolution.co.in, अंत में .co.in आप लगाइएगा तो मेरा वेबसाइट खुलेगा। आप अपने अकॉर्डिंग का प्रोडक्ट पसंद करते हैं, मात्र 500 रुपये सारा प्रोडक्ट आपका शो करता है। बिल्कुल, वहाँ पे लगा था आपको प्राइस भी, प्राइस प्रोडक्ट उसकी सारी डिटेल्स हमारे, जिस तरह से और भी चीज़ें ऑनलाइन फ्लिपकार्ट वगैरह से मंगाते हैं उस तरह ही सेम सेम चीज़ आपको। साथ में जो है हम आपके सामने हम लैपटॉप खरीदे भी हैं। ये जो आपका ब्लॉगिंग ने कर, एक श्योर कस्टमर एक्सपीरियंस है आज का। जी जी जी, ये ना ही कोई एडवर्टाइजमेंट है, ना ही कोई प्रमोशन है, कुछ भी दिया है इन्होंने, एक लैपटॉप बाय किया है ठीक है। बाय करने के बाद मैं आपको बिल भी दिखा दूंगा इनका ठीक है ना। ये सऊदी अरब में जो चलता है ना जमजम इलेक्ट्रॉनिक का, उसी तरह के यहाँ पे तीन है, छोटा भाई, मोटा भाई और बड़ा भाई। जी जी है ना, तीन भाई है हमें, ये इनके अंदर में चलता है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा सर्विस देते हैं, आप लोग लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा आप लोग के लिए भी। चलिए हम और भी चीज़ जो भी है इसमें डलवाते हैं। दोस्तों अगर आप GST बिल के साथ लेते हैं तो आपको 18% एक्स्ट्रा देना पे करना पड़ेगा ठीक है। दूसरा बात ये है, आप यहाँ पे आपको मन में लग रहा होगा कि ये फेक है या चोरी का माल है, इस तरह से कुछ अगर आपको लगता है तो यहाँ पे अगर चोरी का माल रहता तो इस तरह से बिथार करके पूरा जो मार्केट में ना खुलेआम नहीं बेचता। जी जी ठीक है ना, सही बात। यहाँ पे तो अगर आपको कुछ कुछ यहाँ पे अगर चोरी का होता है तो इस तरह से जो दिख रहा है दुकान वकान नहीं होता। अब समझने वाली बात ये भी ना सर कि अगर चोरी का माल रहता तो एक मॉडल का आपको मैं बोलूँ, आप देखिएगा कम से कम 10-10, 20-20, 100-50 लैपटॉप है मेरे गोदाम में। कंपनियाँ से इनका कहना क्या आता है, बाहर से आता है, जैसे कि अभी हम लैपटॉप जिसको हम परचेज किए हैं इसमें सऊदी अरबिया का अरबिक लैंग्वेज लिखा हुआ है, इसमें दिखा दिखाइए करेंगे। और देखिए सबसे पहले एक ये चार्जर मिला, ओरिजिनल चार्जर इस तरह के पिन के साथ, और ये चार्जर हो गया, देन ये प्रोडक्ट का ये माउस मिला, खुल के दिखाओ, ये देखो ये देखिए माउस मिला, एक माउस और एक ये स्लिप, इसमें कि बिल और इस बिल के पीछे देखिए 3 मंथ्स नज़दीक से दिखाते हैं आपको सर। देखिए जो देख रहे हैं ये 3 मंथ एक्सचेंज है, 3 ईयर्स सर्विस है ठीक है, 3 साल तक आप इसको जो भी प्रॉब्लम होता है उसको ठीक करा सकते हैं, और हाँ और 3 महीने तक जो है आप एक्सचेंज कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम आता है। ये वो हो गया रिसिप्ट, और ये हो गया कीबोर्ड का की आपने के लिए, और ये हो गया माउस पैड, और ये कंप्लीट हो गया। दूसरा में है ये कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड भी दिखाते हैं, देखिए कीबोर्ड हो गया ठीक, ये कीबोर्ड, और लास्ट में आपके सामने मेरा लैपटॉप, ये HP का, देखिए HP का लैपटॉप, इसको ऑन करते हैं, सारा चीज़ हमको मिला ठीक है। उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आएगा तो मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर।